रेडमी 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 फ्रेंड, रेडमी फ़ोन तो बहुत अच्छा है और उसका लुकिंग भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप लोग का ज़्यादातर मेरे चैनल पे कमेंट आता है रेडमी रेडमी रेडमी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे कुछ इस प्रकार लॉक हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक है, पैटर्न भी लॉक रहता या पिन भी लॉक रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम यही रहेगा। आपको अगर आपका रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा डिलीट किए हुए, बिना कंप्यूटर का मदद लिए हुए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड, क्योंकि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे आपको अपना रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना है। सर्विस सेंटर वाले डाटा भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेंगे, समय भी लेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रेडमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक करना है, वो भी विदाउट डाटा लॉस करना है। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। फ्रेंड, कभी भी आपके परिवार में या आपके फ्रेंड में या आपके ही साथ कोई भी मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा है, लॉक हो चुका है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका मैं पूरा हेल्प करूंगा। अगर आपका मोबाइल मेरे वीडियो के माध्यम से अनलॉक नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनलॉक नहीं होगा, अगर अनलॉक नहीं भी होगा तो मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल भी करके बता दूंगा। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहला वर्क अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है, नीचे जीरो के नीचे आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर देना है। जीरो के नीचे इमरजेंसी कॉल होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इमरजेंसी कॉल पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू डायलेट खुलेगा एकदम ओपन। आपको इस न्यू डायलेट में FRP कोड का सबसे पहले इस्तेमाल करना है, ताकि आपके फ़ोन में जो भी FRP कोड हो वो टूट जाए और आपका फ़ोन जल्दी से अनलॉक हो। तो ये कोड आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये कोड आपको सर्विस सेंटर वाले भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि आप सर्विस सेंटर जाना बंद करो, आप अपना मोबाइल खुद से अनलॉक करो, वो भी विदाउट डाटा लॉस करो। तो ये कोड है, इसे आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये कोड गायब भी हो जाता है फ्रेंड कॉल करने के बाद। इस कोड को आपको 5 times कॉल करना है फ्रेंड, ओनली 5 times। कैसे करोगे, कॉल पर क्लिक करोगे, कॉल फील्ड का मैसेज आ गया, उसको इग्नोर करके ओके कर दीजिएगा। 1 time हो गया, 2, 3, 4 and then 5। 5 times जब आप कॉल कर लिए हो तो इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है हटाने का। अब आपका पहला वर्क कंप्लीट हो चुका है। जो अब मैं 2nd time कोड दे रहा हूँ, दूसरी बार जो मैं कोड दूंगा वो कोड आपका 2 वर्क करेगा। पहला डाटा बचाएगा, दूसरा आपके फ़ोन में पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी लॉक हो उसे तोड़ देगा चुटकियों में। तो ये कोड भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वो कोड है फ्रेंड, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इस कोड को 3 times कॉल करना है, ओनली 3 times, ताकि ये वर्क अपना कंप्लीट कर चुके हैं ठीक उसी प्रकार जैसे किए थे, 1, 2 and then 3। 3 times जब आप कॉल कर लिए हो तो इस कोड को डायरेक्ट हटा लीजिएगा, डायरेक्ट। सब कोड का अलग अलग तरीका होता है। अब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए। यदि होम बटन नहीं है तो स्वीपअप से, बीच वाले से स्वीपअप कीजिए होम बटन से, लेकिन होम बटन से ही कीजिएगा फ्रेंड। तो मैं अब इस फ़ोन का होम बटन पे क्लिक करूँगा और चेक करूँगा कि ये फ़ोन लॉक से अनलॉक हुआ है या नहीं आप लोग के सामने फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है और इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते, आपका पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी अप्रोक्स लग जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे। और आपके पास भी किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।